अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, हमने आज एक्सरसाइज करनी है रियासत मदीना का क़याम। ठीक है, सबसे पहला MCQs की तरफ चलते हैं। हम लोग दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जी, सबसे पहला है इंतहाई मालदार सहाबा सहाबाए कराम में शुमार होते हैं हज़रत उम्र फारूक, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अब्दुलरहमान या हज़रत साद। तो कौन होते हैं? हज़रत साद बिन रफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये सर्कल कर लें, हज़रत साद बिन रफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द आबाद थे यहूदी कबाइल, मजूसी कबाइल, मसीही कबाइल या सियाफाम कबाइल। तो कौन से कबाइल थे? यहूदी कबाइल आबाद थे। थर्ड MCQs है, मिसाक मदीना के मुताबिक मुसलमान और यहूदी अमल करने के पाबंद हैं, इस्लाम पर, दीन मौसवी पर, इब्न मसीह पर या अपने दीन पर, अपने अपने दीन पर। ठीक है, नेक्स्ट है खाना काबे की तरफ रुख करने से पहले नमाज पढ़ी जाती थी, मस्जिद नबवी की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ, मस्जिद कुबा की तरफ या मस्जिद निमरा की तरफ। तो मस्जिद कुबा की तरफ, मस्जिद कुबा को सर्कल कर लें। ठीक है, मस्जिद कुबा की तरफ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या 5 हिजरी में। तहवील किबला का हुक्म कब नाजिल हुआ था? 2 हिजरी में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट हो गया है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मुख्तसर जवाब दे। पहला क्वेश्चन है कुराने मजीद हम इससे पहले खाली जगह कर लेते हैं, पहले खाली जगह पूर करें। ठीक है, पहली है हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा मसला मुहाजरीन की डैश था, सबसे बड़ा मसला मुहाजरीन की आबादी था। ठीक है, सेकंड है तहवील किबला के हुक्म के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की नमाज की इमामत फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की इमामत फरमा रहे थे। मवाक़ाते मदीना का मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जाहिलियत का डैश ख़त्म हो जाए, जाहिलियत का तासुब ख़त्म हो जाए। ठीक है, जाहिलियत का तासुब ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है तहवील किबला से पहले मुसलमान डैश की तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे, तो किसकी तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे? बैतुल मक़दस की तरफ। ठीक है, अच्छा, मिसाक़े मदीना को अमन आलम का पहला तहरीरी डैश कहा जाता है, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला तहरीरी दस्तूर आइन कहा जाता है। ठीक है, तो दस्तूर। अब लास्ट वाला 5 है आपका, 5 MCQs है। तहवील किबला से पहले मुसलमान डैश की तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे, मैंने बताया था बैतुल मक़दस। ठीक है, तो बैतुल मक़दस लिख लें।
अच्छा अब चल, ये आपकी खाली जगह, दूसरा जो आपका एक्सरसाइज का पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो लिखिए मुख्तसर जवाबात दे, मुख्तसर जवाबात दे। कुरान मजीद में किस वजह से अंसारी की तारीफ की गई है? जवाब नंबर एक, कुरान मजीद में किस वजह से अंसारियों की तारीफ की गई है? तो हम इसमें लिखेंगे कुरान पाक की एक आयत है और वो अपने आप पर, कुरान पाक में इरशाद होता है और वो अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे खुद उन्हें शदीद हाजत हो, उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें खुद शदीद हाजत हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, मिसाक मदीना में अखराजात की जिम्मेदारी किस पर डाली गई? जी तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर लिखिए। जवाब नंबर दो, यहूद अपने अखराजात के जिम्मेदार हों, और मुसलमान अपने अखराजात के ठीक है, अलबत्ता जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, मिसाक मदीना की रोशनी में बैरूनी हमले की सूरत में क्या तय पाया गया? जवाब नंबर तीन, अगर बैरूनी दुश्मन मुसलमानों अगर बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में से किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज, तो ज़ोहर की नमाज कि किस रकत में तहवीले किबला का हुक्म नाजिल हुआ? तो लिखिए तहवीले जोहर की नमाज के जवाब नंबर चार, जोहर की नमाज के नमाज की
तीसरी रकात में, तीसरी रकात में तहवीले किबला हुक्म नाजिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज लास्ट है आपका शॉर्ट। तहवीले किबला से क्या मुराद है? तो लिखिए, मुसलमानों के मदीना आने के बाद, लिखिए जवाब नंबर 5। मुसलमानों के मदीना आने के बाद सबसे अहम वाकिया तहवीले किबला पेश आया। ठीक है, तहवीले किबला पेश आया, मुसलमान पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, ठीक है, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। फिर हुक्म हुआ कि अब खाना काबा की तरफ, खाना काबा की तरफ रुख करके अदा करें। ठीक है, ये आपके शॉर्ट एक्सरसाइज जो है शॉर्ट की कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।